असल मैं हूँ शेख जवा जावा आपका अपना स्टॉल जर हम सब्लत की टेंटीन सेप्टेम्बर आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा लिय उम्मीद करता हूँ आप तैरियत से होंगे ये हफ़्ता जो है वह पिछले हफ्ते का ही सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाएगा आ, लेकिन एक जो मेजर तब्दीली जो आपके जाएचे में आ चुकी वो है कि आपका फर्स्ट हाउस में वीनस जो है ये आ, अब रेट्रोग्रेड नहीं है इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने से कैरियर रोजगार के हवाले से जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उसमें बहुत हद तक कमी आ चुकी है और मज़द अभी आएगी चूँकि जो वीनस जैसे जैसे अपनी डिग्रीज़ को डेवलप करेगा आगे की तरफ लेके जाएगा वैसे वैसे आप को अपने मामला में बेहतरी का जो है अंदाज़ा होता चला जाएगा वीनस फर्स्ट हाउस में हो और टेंथ का लॉर्ड हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कुदरत आपके ऊपर बहुत मेहरबान होती है कैरी रोज़गार के जो भी आपका सिलसिला है उसमें आपको नेम फेम मिलता है और आप बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं लेकिन यहीं पे मैं बताते चलूँ कि टेंथ में ही जुपिटर अब जो है वो रेट्रोकेट हो चुका हुआ है सो वो लोग लियो के जो कि एक से ज्यादा कामों में हैं उन्हें थोड़ी सी जो है वो हर्डल फेस करनी पड़ेगी आ, मुझे याद नहीं फेस यहाँ पे यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एक मैसेज था कि लियो के जो लोग आपने बताया कि दो जो काम करें उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो क्या वो एक काम छोड़ दें तो मैंने कहा था नहीं आप कंटिन्यू करें बस आपको फोकस करना है आपको ये करना है कि अपने सिलसिले को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते चले जाने मायूस नहीं होना अगर आपका आप यहाँ से मायूस होकर छोड़ देंगे तो फिर आप उसको दोबारा जो है वो शायद अगले साल में भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ना कर सकें लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे अपना फोकस रहेंगे तो फिर आहिस्ता कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी लेकिन आहिस्ता आिस्ता फौरी तौर पर नहीं मिलेगा और आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी लामोल्ला इस तरह आप कम अज़ कम एक से ज़ायद कामों का फ़ायदा तो लेंगे एक काम तो नहीं रहेगा अच्छा अगर आप एक काम कर रहे हैं तो भी आपके दसवें घर में जुपिटर तो रेट्रोगेट है उसने अपना इंपैक्ट डालना है सो बेहतर यह है कि दोनों कामों को करें अपनी सिर्फ़ मेहनत जो है वो बढ़ाइए इस वक्त दोनों बड़े शाहरगान जो है वो रजत में है जुहल भी और मुश्ती भी लिहाजा ये तमाम बरूज के ऊपर जो है उनका इम्पेक्ट जो है वो आएगा अब यहाँ पर चूँकि आपके आठवें घर का भी लॉर्ड है और आठवें घर में ही सट्टन भी रेटुगेट है तो मैं आपसे कहूँगा ये आपके जहनी दबाव में थोड़ा सा इजाफा कर सकता है या आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी का एहसास होगा लेकिन सिस्टम चलता रहेगा सन जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है जाएचे जगह दूसरे घर में मौजूद है आपका पूरा फोकस जो है वो अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को बेहतर बनाने की तरफ चल पड़ा दूसरे घर का लॉर्ड मरकरी यहीं पे मौजूद है एग्जॉल्ट है यानी शफियाब है लेकिन कम्बस्ट और रेट्रोगेट भी है अब क्या होगा कि मरकरी की सारी पावर्स चली गई सन के पास तो आप अपनी जो मामला हैं उसमें नई नई पॉलिसीज़ के जरिए अपने मामला को जो है फाइनेंशियल मामला को अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे लेकिन चूंकि मरकरी रेट्रोगट है तो अपनी किसी भी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपको यह ख्याल करना है कि कोई भी नाजायज जरा इस्तेमाल ना करें और गलत बयानी से काम मत लीजिएगा अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होगी जैसे ही मरकरी सस्टेन करेगा चलेगा तो ये सारी चीज़ें खुल के बाहर आ जाएगी गुफ्तु में एहतियात कीजिए आपका पब्लिक इमेज जो बना हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है सो इसको डिस्ट्रॉय होने से आपने रोकना है मरकरी ग्यारहवें घर का भी लॉर्ड है आ, दो सब आपके साथ लेन देन से गुरेज कीजिए अदरवाइज़ अगर आपने लिया तो वापस नहीं किया जाएगा ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का बायस होगा हफ्ता स्टार्ट होगा तो मून आपके जाहिर छे कि बारहवें घर में मौजूद है स्परिचुअलिटी आपकी अरूज पर होगी ओवरसीज से आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और आपके ड्रीम्स बहुत ट्रू होंगे स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो दस और ग्यारह का है ये दोनों ड्रीम्स आपके बहुत ही ट्रू और बड़े जबरदस्त हो सकते हैं सो so, इनके ऊपर फोकस कीजिएगा आपकी जो इंट्यूशन हैं वो आपको अगली तरफ जो है ले जाएंगी आपके तीसरे घर में मार्स जो है ये अब नेगेटिव पोजिशन में है चूँकि बुज मीज़ान में है थर्ड पोजीशन भी अच्छी नहीं और बुज मीज़ान में भी अच्छा नहीं फायर साइन है नाइन्थ का भी लॉर्ड है सो आपके अपने बहन भाई हों आपके सुजो करब हों इनके साथ आपको तल्लुक को मतदिल अंदाज़ में चलाना है अपनी गुफ्तू में आपको एहतियात करनी है एग्रेसिव मत होइएगा कोई तलख जुमले लिख के देने से या वर्बली बोलने से आपको ग्रेज़ करना है ट्रेवल आ, करते वक्त अपनी सेफ्टी मुयस का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा स्पेशली वो लोग जो कि बाइक्स पे सफ़र करते हैं या किसी भी तरीके से आप सफ़र करें तो अपनी सेफ्टी मेजर्स आपने लाजमी करनी है हेलमेट वगैरह पहनी और इस तरह की आ, आपके जो बहन भाई हैं उनकी तरफ से कुछ तंद व तेज़ जुमलों का तबादला हो सकता है बाकी आपने इसको अंदाज से ही चलना है घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद फ्रोह तब्दीली के हवाले तब से मैं ये कहूँगा कि आप इसमें कोशिश इस वक्त कर सकते हैं लेकिन अभी ये फ़ाइनल होती इस हफ्ते में नज़र नहीं आती छठे घर कहा कि माठवे घर में ही मैं आपको मैनी टाइम कह चुका अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ये एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि आप की जॉब आपकी हेल्थ आपके इम्प्लॉज़ ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी इसके साथ साथ आपके स्पाउस से मिलने वाले आपको पैसे उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा बाकी मामला जो है वो इन जैसे कि मैंने बताया कि मरकरी है सन है सन अच्छा है वीनस अच्छा है मून अच्छा है ये चीज़ें आपकी जो है वो आपको साथ साथ सपोर्ट करेंगी और आगे चलता चला जाएगा आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो आपके लिए रूबी होता है एक अच्छा यकूत अपने हाथ में पहनी है ये आपकी आ, बहुत सारी मामला को कवर करने में आपको आसानी देगा विल पावर बढ़ाएगा स्ट्रेंथ मिलती है इंसान को पावर मिलती है तो वो अपने बहुत सारे काम जो वैसे उसको मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं उसको कामयाबी के साथ कर लेते हैं दुश्मनों पे आ, कवर अप करेंगे आप उनको ये सब चीज़ें आपको रूबी की वजह से जो है ना वो बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे पर विकार ने उसमें जो खासियत रखी है वो उसका बेनिफिट आपको इनशाला जरूर मिलेगा बेहतरीन जम के लिए आप हमारी वेबसाइट जामा विज़िट कर सकते हैं आ, ये जनरल है इंडिविजुअल अगर अपने बारे में जानना चाहें तो भी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं इजाज़ जाऊँगा वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें और चैनल पर दोबारा आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिए अल्लाक मैं हूँ शेख जवार रजा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अस्ट्रॉजर हमदरबुल्जत की सलाम वर्गो वीकली और 10 टू सिक्सटी सितंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा बरकज जैसे कि मैं सारी आ, लोगों को कह रहा हूँ कि इस हफ्ते में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने पिछले हफ्ते में स्टार्ट की या जो पिछले हफ्ते हमने जिन पर थोड़ी सी गुफ्तु की उन पर मजीद करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या होने जा रहा है और फिर कुछ अपस्ट्रेनिंग जो चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं उसकी तरफ भी इनशाला आपको बताऊंगा तो आ, सबसे पहले तो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके जाहिर के फर्स्ट हाउस में मौजूद है इसके साथ सन है सन ने इसको जो है अब कम्बर्स्ट कर दिया है ये रेटोगेट भी है एग्जॉल्टेड भी है यानी शर्फ के घर में है शर्फी तो अच्छे हैं लेकिन गरूब है और इसकी लिजत भी चल रही है तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वो साबित हो सकता है स्पेशली वो लोग वर्गर्स के जो बड़ा स्ट्रिकली अपने प्लानिंग के ऊपर चल रहे होते हैं एक पूरा उन्होंने रूट बनाया होता है एक पूरा प्लान किया होता है एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं इन्हीं के ऊपर चलना है इधर उधर नहीं होना मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपको जो है वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगी अपने कैरियर अपने रोजगार की तरफ ये आपको मौका देगी कि आप थोड़ा सा पीछे चल के जैसे कि हम वीडियो देखते हुए थोड़ी सी रिवाइंड कर लेते हैं कि भी अच्छा इस चीज़ की समझ नहीं आई तो इसको समझ लें बिल्कुल इसी तरह आप थोड़ा सा पीछे हालात का जायज़ा लेंगे स्पेशली आपने कैरियर रोज़गार के हवाले से अपने सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप्स के हवाले से अपनी इज़्ज़त वकार के हवाले से कि आपने कहाँ क्या गलतियाँ है की हैं जो आपको पूरा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अच्छा अब दूसरी चीज़ इसमें एक और आती है वो ये है कि लाजमी नहीं कि हर बंदे ने गलती की हो तो जिन लोगों ने गलती नहीं की उन्हीं मैं कहूँगा कि आप हालात का बेहतर तौर पर जायज़ा ले सकेंगे लेकिन फस्ट्रेशन से आपको बचना है मामला बेहतर होंगे इस हफ्ते के एंड पे 16 सितंबर को मरकरी जो है वो स्टैंड बाय हो जाएगा सन आगे चला गया होगा तो इस तरह एक कम्बस की कंडीशन भी ख़त्म होगी और आप एक बार फिर वही एग्जॉल्टेशन की यानी शर्फी जो मामलात हैं उसको इंजॉय कर सकेंगे सो आ, अपने मामला में अपने कैरी रोजगार के मामला में जल्दबाजी से गुरेज करें जिनके साथ आपके एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ अपने तल्लक को सस्टेन रखने की कोशिश करिएगा हमारी वर्गोज़ वो खतानी हमारी बहनें हमारी, हमारी बेटियाँ जो कि हाउस वाइफ हैं आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ स्पेशली अपनी मदर इन लॉ के साथ और अपने वालिद के साथ अपने रिलेशनशिप को मोतदिल अंदाज़ में जो है चलाने की जरूरत है अगर आप इसको जल्दबाजी में करेंगे माइट के वहाँ से आपके लिए कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हो जो कि आपके लिए बेहतर ना हो सम टाइम मरकरी चुके दोनों खानों का लॉर्ड है एक आपकी मदर लॉ से रिलेट करता है एक आपके अपने पास से तो गुफ्तु ही ऐसी हो जाती है कि छोटी सी बात जो है वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा वो कई बार होता है ना कि आप भूसे के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी फेंक दें पूरा जल जाता तो आपने गुफ्तु में आपने जो है वो एहतियात करनी है कोशिश कीजिएगा उसने जन रखिएगा अच्छी सोच अच्छे अमाल को जो है वो आगे बढ़ाने में मदद देती है मनफी सोच कई बार जो है वो आप जल्दबाजी में कोई काम कर देते हैं अपनी मनफी सोच की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है सो बी केयरफुल आपके जाहिर के दूसरे घर पर मास्क मौजूद है मास जो कि अखराजा में तेज़ी का बायस भी बनेगा बहन भाइयों के साथ लेन देन से आपको मुहतात रहना है उनके साथ गुरेज कीजिएगा कोई भी लेन देन करने से नज़दीकी सफ़रों में आ, आपको जो है वो वहाँ पे भी महतात रहना है इसी तरह शाकत के जो मामला हैं या अपने शोहर से मिलने वाले पैसे इसमें आपको कमी का एहसास कुछ टाइम मज़दीद रहेगा आपको ये सामना करना पड़ेगा उसके बाद हालात इनशाला इन शाला बेहतर उतर चलेंगे ईहिर के ग्यारहवें घर में मून है जब यह हफ्ता स्टार्ट होगा ये बहुत अच्छा है ये आपकी ख्वाह की तकमील को शौक़ करता है तो आपके जो दस और ग्यारह है ये इन शाला आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी और ये मामला बेहतर होंगे बारह और तेरह में आप जो है एक कदम आगे बढ़ के अपने मामला को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे चीज़ें शौर और लाशोर के दरमियान चलेंगी आप अन भी अपनी चीज़ों को फोकस करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे उसके बाद ये तेरह के बाद जो है ये आपके जाए के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा यहाँ पे इसको अरूज होता है ओज है इसका तो इस तरह दो सब आपसे भरपूर तावन मिलेगा ख्वाहिया की तकमील भी, भी होगी आप अपने गोल्स भी जो है वो अचीव कर सकें लाइचे के बारे में घर में आपके जो है वो वीनस रेट्रोग्रेड था अब ये बेहतर हो गया इस तरह आपकी नींद भी बेहतर होगी ओवरसीज़ आपके ट्रेवल के जो मामला हैं वो बेहतर होंगे इमिग्रेशन का असूल आपके लिए मुमकिन होगा अब आ, लेकिन वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए मैं कहूँगा कि एहतियात कीजिएगा इमिग्रेशन का देखें ना दो चीज़ें हो गई मैंने कहा इमिग्रेशन का सो मुमकिन होगा वीज़ा अप्लाई करने से गुरेज कीजिएगा तो कुछ लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि भाई वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे तो इमिग्रेशन कैसे मिलेगी तो आप उन लोगों को मत भूलें जिन्होंने पहले ही वीज़ा जो है इमिग्रेशन का अप्लाई कर दिया हुआ है इस वक्त आप अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन जो पहले के प्रोसेस में चल रहे हैं उन्हें गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकती है सातवें घर में आपके सन uh, मौजूद है जो कि सॉरी सेटन मौजूद है जो करेट्रोगेट है uh, पसंद की शादी और मंगनी दोनों के लिए इसका जो है वो रुकावट आपके सामने होगी आपको अपने रिलेशनशिप को बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज में चलाने की जरूरत होगी ठीक इसी तरह uh, मैं ये कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि अपने किसी एम्प्लॉय को जो है uh, अपने शादी दवाजी तल्लक में इंटरफेयर करने की इजाजतना दीजिएगा वरना यह आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का बायस वो बन सकता है मजमुई तौर पे एक मिला जुला आपके लिए हफ्ता है आपने अपने हाथ में आप एक जुमरत पहने जेड पहन लीजिए ग्रीन आप तरमीन पहन लीजिए गिल्सन पहन लीजिए ग्रीन कलर के जो स्टोन्स हैं ये आपकी एनर्जी को डेवलप करने में बढ़ाने में आपको बहुत मदद दे सकते हैं इसके अलावा फिरोजा भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा बेहतरीन जम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावर जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रबा करके तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ठीक इसी तरह ये जनरल है इंडिविजुअल अपने बारे में जानना चाहें तो भी व्हाट्सएप नंबर पर रबा कर सकें इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आप लिख सकते हैं हमारे चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुष्ट कर लीजिएगा असल मैं हूं शेख जवाब रहा जावा आपका अपना स्ट्रॉजर इज्जत की दुरूद सलाम मोहम्मद मोहम्मद दुरुदोस महमद महमद् लिब्रा वीकली और उसको टेन टू 16 सितंबर आपका यह हफ्ता कैसा लब्राज उम्मीद करता हूँ तआला खैरियत से होंगे पिछले हफ्ते मैंने आपको एक बड़ी अहम और बड़ी ख़बर सुनाई थी बल्कि दो खबरें थी आप पहली बात तो ये कि वीनस जो है वो स्टैंड बाय हो गया था पिछले हफ़्ते सो इस तरह आपके बहुत सारे रुके हुए काम जो है वो बेहतर होने शुरू हो गए फिर ये आपके ग्यारहवें घर में आपके गोल्स आपके अचीवमेंट दोस्त साहब आपका तावन ये सब आपके साथ जो है वो शामिल हाल हो गया यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अहम है और वो ये कि ये आपके आठवें घर का भी लॉर्ड था सो जो शरकत दारी में आप काम कर रहे थे जो वरासती मामला थे उनमें आपको बेटरमेंट मिली आ, इसके अलावा दोस्त साहब आपका भरपूर तान भी मिला और आप जो एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन थी उसमें से भी आप परवरदिगार के फजल से जो है वो निकलते चले गए अभी भी आपके ये ग्यारहवें घर में है ये तमाम हफ्ता यहीं पे रहेगा आपका पूरा फोकस अपनी ख्वाहिशात की तकमील पे, अपने टारगेट्स पे, अपने गोल्स की अचीवमेंट पे आपका पूरा फोकस रहेगा इसके बाद अगर हम आगे चलें तो दूसरी बेटरमेंट आपको मिली थी कि मार्स आपके जायचे के बारहवें घर से निकल के फर्स्ट हाउस में आ गएगा फर्स्ट हाउस में ये आपको बोल्ड करता है ये आपको ब्रेव करता है इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ देता है और वो जो एक फेयर का आप शिकार थे वो उसमें से आप जो है यहाँ से भी निकल गए चूंकि ये आपके खनम माल का हाकिम है तो ये आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा पहले भी इसने करवाया बल्कि पहले तो आपको ये फ़ियर का शिकार किया कि आपके माली पोजीशन क्या बनेगी किस तरह बनेगी लेकिन अब ये उस मामले में आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है और आप माली लिहाज से कुछ बेहतर फैसले जो है वो करने की पोजिशन में इसके साथ जो शाकत दारी के मामला हैं जो आपके पार्टनरशिप के मामला हैं जो जॉइंट एडवेंचर के मामला हैं जो या जो रिलेशनशिप

आपने अपने मामला को थोड़ा तमुल और जीरो अंदाज में जो है वो ले कर चलने की ज़रूरत है फाइनेंस के मामला को भी इसी तरह से आपने चलाना है तो ये मामला बेहतर हो जाएगा बारहवें घर में आपके जो है सन मौजूद है सन बारहवें घर में आपको ओवरसीज़ जो आ, इमिग्रेशन है उसके असूल में आपको कामयाबी दिलवा सकता है लेकिन आपका मरकरी यहीं पे जो है वो रेट्रोग्रेट है 16 सितंबर तक रेट्रोग्रेट रहेगा सो so, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन या आपका ओवरसीज़ ट्रेवल जो है वो 16 ऑफ सितंबर तक थोड़ा सा डिले का शिकार हो सकता है बने बनाए प्रोग्राम भी आपके पेंडिंग हो सकते हैं उसके बाद ये आपका सिस्टम खुल जाएगा और आप फ्रीक्वेंटली जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिक्सटीन सेप्टेम्बर तक तो एजुकेशन के लिए हो ज़्यादातर मुकदसा के लिए हो किसी भी काम के लिए हो आप वीजा अप्लाई ना करें स्पेशली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा हाँ जिनके पहले से हैं अप्लाई कर चुके हुए हैं आपको बेहतर जो है वो रिजल्ट मिल सकता है चूंकि ग्यारहवें का लॉट भी बारहवें में ये आपको अगली तरफ जो है वो लेके चलेगा इन जुपिटर तीसरे और छठे घर का लॉर्ड है आठवें घर में जाके ये रेट्रोगेट हो गया अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है स्पेशली नज़दीकी सफ़रों में और पार्टनरशिप में मिलने वाली प्रॉफिट में और अपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपको जब फोकस करने की ज़रूरत होगी ये वो पोर्शन है जहाँ पर आपको कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है फैमिली से फैमिली स्पेशली वालदा से या आपके जो बड़े भाई हैं आ, उनसे या आपके जो कज़न्स लगते हैं वालदा वाली साइड से स्पेशली मैं कहूँगा उनकी तरफ से कुछ आपके लिए हर्डल्स या अपोजिशन का रोल जो है प्ले हो सकता है ये सेक्टर जुपिटर दोनों मिल के जो है वो करते नज़र आ रहे हैं इसके बिल्कुल पैरेलल चलूँ तो आ, इस हफ्ते के स्टार्ट पर ही मून जो है वो आपके जाहिर के दसवें घर में होगा तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए नौ और दस ये दोनों बहुत अहम होंगी उसके बाद ग्यारह भी यहाँ पे बहुत अहम होगा बल्कि बारह तेरह भी चूँकि ये आपके जाए चाहिए कि ग्यारहवें घर में आपके अपने साइन लॉर्ड वीनस के साथ मीटअप भी करेगा और ग्यारहवें घर में गुडला को भी इजाफा करेगा कैरी रोज़गार में बेहतरी आपके जो है वो आएगी आपको बेहतर चांस मिलेंगे और नौ दस जी आपको बड़ी तेज़ी से मामला को आ, समेटने में इनशाला जो है वो मदद देंगे ग्यारहवें घर इसी हवाले से दो सब आप से भी आपको बेनिफिट मिलेगा और जो आपने नौ दस को काम स्टार्ट किए होंगे अगर वो खुदा ना नास्ता अभी तक पेंडिंग है तो दस ग्यारह में इन शाला ये आपके कब्र उसे चलेंगे तेरह चौदह ये बहुत अहम होगी चूँकि मर्क एटोगेट सन वहीं पर बारहवीं प्लेस इसके साथ मू ने जो है वो अपने ओजी इधर जा से गुजरना और इन्हीं के साथ कंजक्शन करनी है जाहिर जैकअप बारवा गए कैरियर रोजगार के वाले से आपकी इंट्यूशन आपके जो आ, स्टेप्स होंगे और जो आपकी ख्वाहिशात होंगी जो बैक एंड पे चली जाएंगी और इस वाले से आपके ड्रीम्स ये बहुत अहम होंगे इनके ऊपर फोकस कीजिएगा तो इस तरह आप अपने मामला को बड़ी अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे आपके लिए बेहतरीन स्टोन डायमंड और उसके बाद वाइट टुपाज ब्लू टुपाज मोजोनाइट आ, ये आप पहन सकते हैं ये पर्सनलिटी ट्रेड्स के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और जहाँ वक्त है, है आपके गुड लक में भी इजाफा करेंगे आ, इसके अलावा किसी काम के लिए पहनना चाहते हो फाइनेंस के लिए तो वो और होता है कैरी रोज़गार के लिए ये अलग अलग चीज़ें हैं इसी तरह अपनी जॉब और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल कीजिएगा जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बेहतरीन जम के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ जान चाहूंगा कि आप इस वीडियो से मुस्तफ होंगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे दोबारा हमारे चैनल पर आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा मैं शेख जबार रज़ा जावा आपका अपना स्टॉल जरूरत की दरूदाम स्कॉर्पियो वीकली और उसको टेन टू सिक्सटीन सेप्टेम्बर आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा गया उम्मीद करता हूँ वफज़ल ताली आप खैरियत से होंगे आपके लिए ये हफ्ता पिछले हफ्ते से कदरे जो है वो बेहतर साबित होगा वैसे तो यूसी की चीज़ें कुछ जो कम्प्लीट होंगी लेकिन कुछ चीज़ें जो मिच्योर हो गई उस हवाले से ये आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो साबित होगा सबसे पहली बात वीनस आपके जाएचे के टेंथ हाउस में मौजूद है और अब रेट्रोगट नहीं है ये आपके सातवें घर का भी लॉर्ड है जो कि आपके शादी असदवाजी मामलात हैं आपके बारहवें घर का भी लॉर्ड है दसवें घर में है तो पाकिस्तान से बाहर से या कहीं अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो कहीं और से अदरवाइज आप समझ लें कि वो लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, का काम करें उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा जो चीज़ें आपके लाशोर में थी अब आप उनको जो है वो अवेल कर सकेंगे कैरी रोजगार के हवाले से नेम फेम इंशाला आपको मिलेगा स्पेशली अगर आप शाकत में काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए होगा सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा सन दसवें का लॉर्ड होते हैं ग्यारहवें में और दसवें में वीनस तो इट्स मीन के आपके और सीनियर के माँ बहन एक बहुत अच्छा पैचअप जो है उसका डेवलपमेंट होती नजर आती है आप वीनस जब भी टेंथ हाउस में आता है तो पर्सन को उसके कैरियर उसके रोज़गार के हवाले से कुछ नुमाया चीज़ों से जो है वो आगाही भी मिलती है और पोजीशन होल्डर भी भी आता है ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बिज़नेस में सेटल्ड हैं अपना नेम फेम रखते हैं उनमें आपका नाम जो है वो शुमार होता है या उनसे आपको बड़े फ़वाद का असूल जो है मुमकिन होता है ये मादियत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनट है और टेंथ फार्मेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है यानी ये आपको चांसेस दिलवाएगा कि आप अपने मामला को अपने कैरियर को आगे मजीद जो है वो ले चलें खुवातन हमारी जो हैं उनके लिए शाखती तल्लक भी यादवाजी तल्लक बहुत अहम होते हैं सुसाड़ी जो तो कारों के साथ रिलेशनशिप बहुत अहम होता है तो आपके लिए इस हफ्ते की इब्तदासे ही बहुत अच्छा है अवीनस सातवें का लॉर्ड होके दसवें में तो इट्स मीन के जो आ, आपके स्पाउस के यानी आपकी बीवी के या आपके शोहर के अपनी वालदा के साथ जो तल्क में कशीदगी थी उसका खात्मा होगा इस तरह मामला मामलात दिल होते चले जाएंगे नामे घर में जो कि सुशाली सिबलिंग्स है आपके स्पाउस सातवाँ और वहाँ से तीसरा उनके बहन भाई तो यहाँ पे मून आ, बिल्कुल प्लेस्ड है इस वक्त दस तारीख को तो ये उसके बाद यहाँ पे आपके लिए सुशाली दुकान आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करेगा उसके बाद ग्यारह बारह ये आपके जाए के दर्शन घर में और अच्छा ओवरसीज़ ट्रैवल स्परिचुअलिटी के हवाले से आपके साथ रिलेशनशिप के हवाले से ये बहुत अच्छा इन टाइम आपके लिए मिलेगा और आपको हो सकता है कि इसी हफ्ते में आप अपने कैरियर रोजगार के हवाले से कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं या आप ज़्यादातर मुकदसा के लिए जाना चाहें उम्र की सदत हासिल करना चाहें या स्पेशलाइज़ेशन करना चाहें तो ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए जो है वो इन श्लाबित होगा मरकरी जायचि के ग्यारहवें का लॉर्ड होते हुए ग्यारहवें मौजूद है लेकिन गुरु की हालत में और साथ में रिज़त में भी है सो आपको अपनी ख्वाहत की तकमील के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी आप डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे अपने वालिद को साथ में ज्वाइन करेंगे कि आपकी जो ख्वाहत की तकमील है वो उसके स्पेशली वो ख्वाह जो कि के आपके कैरियर आपके रोज़गार से मुतलिक है सो यहाँ पे आपको बड़े फ़वाद जो हैं वो मिल सकेंगे मरकरीज़ स्टैंड बाय होगा तो ये आपको पावर अथॉरटी के साथ साथ एक अच्छा डेजिग्नेशन भी इन लेने में आपके लिए मददगार होगा अब मैं दूसरी तरफ आऊँ हाँ। तो आपका अपना रूलिंग प्लेनेट आपके छठे घर का भी लॉर्ड है आई चुके के घर में ही अच्छी पोजिशन ही है जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अपनी एनिमीज से जो हिडन एनिमीज़ हैं जो आपको फ्रंट पर आके फेस नहीं कर सकते तो ही वो आ, बैक एंड पे करते हैं उनसे खौफजदा न हो कई बार ऐसा होता है कि हम खौफजदगी में कोई ऐसे कई ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं होते डर के मारे ये ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कई लोग समझते हैं कि ये बहुत बहादुर है जबकि वो डर रहा होता है सो so, डर के मारे इस तरह का कोई काम नहीं करना फाइनेंस रिलेटेड और आपके पांचवें घर का हाकिम सैरह जुपिटर सातवें घर में जो है ये रेट्रोगेट है तो फाइनेंस को लेके आपके रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ या वर्किंग पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा सा खिंचाव तनाव की कैफियत जो है वो डेवेलप हो सकती है कोशिश कीजिएगा कि शाकत दारी में कोई नई इन्वेस्टमेंट हर किसी न कीजिएगा इस वक्त जुपिटर की वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि आपके पैसे फंस जाएंगे माइट आपका जो पार्टनर है चूंकि वो बिजनेस बहुत अच्छा है तो वो निकल थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है मंगनी शादी दोनों के लिए इस वक्त मालात आपके लिए कतई साजगार नहीं है आ, बल्कि अगले कई टाइम इसी तरह रहना है अबतः घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीदो फरोख्त बेसिक एजुकेशन इसमें आपको पहले से कदरे कुछ बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह मिल सकेगी छठा घर आपका शदीद तरीके से मुतासर हो रहा है राहू के इम्पैक्ट से भी और छठे का लॉर्ड मार्स बारहवें घर में, में। सोहसदीन से बचने के लिए सुरह फलक सुरह नास रोज़ाना नो मरतबा पढ़ना अपना मामूल बनाइए और कोई भी प्रॉब्लम को मेडिकली ईज़ी मत कीजिएगा राहु अगर छठे प्लेसमेंट में है तो ये आपको ऐसी डिजीज़ की तरफ ले जाता है जिसका डायग्नोज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नज़रबद हसद ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो मरजान है इसके अलावा आप गार्नेट पहन सकते हैं हकीक सुर्ख पहन सकते हैं ये ये तीनों स्टोन आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे बेहतरीन स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जमी डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रबता करके दुनिया में आप कहीं भी हो आप ये स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा इन शाला बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी ज़्यादा चाहूँगा